वेलकम दोस्तों, AK HVAC इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि कूलर। कूलर क्या होता है? आज के सभी के घरों में कूलर का यूज होता है। तो ये भी कूलर एक प्रकार का, ये भी ठंडा करने का एक मशीन होता है, जिसे हम किसी भी एक रूम को, एक स्पेसिफिक जो भी एरिया रहती है, उस एरिए को हम क्या कर सकते हैं, कूलर की मदद से एक स्पेसिफिक ह्यूमन कम्फर्ट तक एक कूलर प्रोवाइड करता है, यानी कूलिंग हवा हमें रूम को कूलिंग देता है, यानी ठंडी हवा देता है। तो कूलर आप सबको घरों में लगवाए, इस टाइम प्रेजेंट टाइम में सबके घरों में यूज हो रहा है। इसके बारे में सबको पता होना भी चाहिए कि कूलर आखिर क्या है, इसमें क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। अगर कुछ भी ख़राब हो जाता है तो आप बिना टेक्नीशियन के बुलाए भी आप उसको सही कर सकते हैं अपने घरों पर। तो सबसे पहले हमें सभी कूलर, जो भी कूलर नॉर्मली कूलर होते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या काम होता है, कहाँ कहाँ पर वो यूज होता है, कैसे वो देखने में होते हैं, सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कूलर में। तो कूलर में सबसे पहले आपने देख रहे हैं एक स्टैंड होता है, जब भी आपके घर में होगा तो आपने देखा होगा कि स्टैंड होती है। स्टैंड के पास एक वाटर ट्रे होता है, वाटर ट्रे फिर से वाटर पंप होता है, एक फ्लेक्सिबल पाइप होती है, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर होता है और साइड कवर होता है। एक आपके साइड में कूलिंग पैड होती है, जो घास के पैड में किसी तरह और कैसे उसको हम लोग कूलिंग पैड बोलते हैं। और नेक्स्ट एक होता है हमारा विद्युत मोटर होता है, जिसको हम फैन मोटर भी बोलते हैं। और एक होता है ब्लोअर फैन, एक ग्रिल लगा रहता है हमारे कूलर में, स्विंग मोटर भी लगा रहता है, कंट्रोल स्विच होता है और वाटर मीटर भी लगता है। ये सभी पार्ट्स कूलर के होते हैं कि जो भी कूलर हमारे यूज होते हैं उन सभी कूलरों में हम यूज करते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कूलर कुछ ऐसे आपको देखने को मिलता होगा कि जैसे कूलर आपके घरों में है, तो एक बॉक्स टाइप का कूलर होता है जो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे हम पहले बात होते हैं कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले स्टैंड होता है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि स्टैंड जो भी होते हैं, तो आपने कूलर देखा होगा इस टाइप से, सबसे पहले नीचे जिस पर आप कूलर को रखने के लिए एक स्टैंड बनाया जाता है। तो यहाँ पर मेरा एक स्टैंड होता है, फिर से एक होता है ये जो मोटर है, आपको ना मैंने बताया ना वाटर मोटर होता है, पंप मोटर, ये यहाँ पर मोटर लगा रहता है। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एक वाटर ट्रे होता है, ये जो होती है वाटर ट्रे वो होती है कि जिसमें आप पानी को ले जाकर पानी को आप भरते हैं। उस पानी को ये क्या कहता है, वाटर पंप क्या करते हैं, उसको सक कर फ्लेक्सिबल पाइप है, मैंने बताया कि फ्लेक्सिबल पाइप का भी यूज करते हैं। फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू जो भी वाटर ट्रे में पानी रहेगा, तो वाटर पंप से हमारा पानी को क्या करता है, सक करते हैं, यानी खींचता है, खींचकर उसे हम ऊपर लेकर जाकर फिर से जो भी यहाँ पर एक वाटर डिस्ट्रीब्यूटर लगा रहता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ये होता है कि ये वाटर को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटने का काम करता है। यानी तीनों साइड में आपको जैसे जो भी वाटर कूलर होता है, उस कूलर का आपने देखा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में और फिर से बैक साइड में, पीछे साइड में, फ्रंट साइड में आपको कूलर के क्या करता है, हवा को प्रोवाइड करता है, यानी हवा हमें फेंकता है जिससे हमारा। तो तीन साइडों में आपको ये वाटर जो होती है पानी वो फेंकने का ये काम डिस्ट्रीब्यूटर से होता है। तो एक हमारा यहाँ पर कूलिंग पैड लगा रहता है, ये जो साइड का कवर होता है ना, एक साइड का कूलर आपने देखा होगा, नहीं अभी तक ध्यान दिया तो अपने कूलर को जाकर देखिएगा, साइड में आपको एक कवर भी लगा रहता है जो तीनों साइडों में लगा, ये नहीं कि एक ही साइड में, तीनों साइड में आपको देखने को मिलेगा, ये साइड कवर का भी हम यूज करते हैं। उसी साइड कवर में ही अलग से एक कूलिंग पैड लगा रहता है, वो कूलिंग पैड ही जिसे हम घास पैड भी बोलते हैं। इस कूलिंग पैड में ये जो कूलिंग पैड लगा रहेगा, उस कूलिंग पैड में हमारा क्या होगा, वाटर ड्राप जैसे धीरे धीरे वाटर इसमें से फ्लो होते हुए ये नीचे की तरफ ऐसे वाटर नीचे आते हुए फिर से हमारा ऐसे धीरे धीरे आते हुए फिर से हमारा कूलिंग ट्रे में चला जाता है। ये वाटर ही कूलिंग ट्रे, फिर यही वाटर हमारा क्या करता है, वाटर पंप फिर से ऊपर से सर्कुलेट करता है, ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है और हमें ठंडी हवा मिलता रहता है। नेक्स्ट हमारा अगर बात करें तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, कूलिंग पैड, साइड कवर, ये वाटर मोटर, फिर से आपका स्विच मोटर भी होता है, ये स्विच का भी काम होता है कि जो भी अपने स्विच को अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर लगा रहता है कि हम उसको मोटर को कब चालू करना है, कब बंद करना है, ये सब उसके लिए स्विच का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे विद्युत मोटर, यहाँ पर एक विद्युत मोटर लगा रहता है जो इस फैन मोटर जो होता है ना, फैन मोटर, इसको हम लोग रन कराने के, यानी इसको चलाने के लिए हम यूज करते हैं विद्युत मोटर का। ये विद्युत मोटर का भी कंट्रोल हम एक स्विच के मदद से, यहाँ पर जो भी स्विच रहेगा उस स्विच के मदद से हम उसको कंट्रोल करते हैं, कब हमें ऑन करना है और कब इसको ऑफ करना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके पास आता है हमारा ब्लोवर फैन होता है। ये ब्लोवर फैन जो होते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लोवर जो भी फैन होती है, ये ब्लोवर फैन होती है, इसी ब्लोवर फैन से हमारा ये ब्लोवर फैन का यूज इस टाइप से इसका डिजाइन किया जाता है कि
ये जो भी हमारे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बैक साइड में जो भी हमारे अगर गर्म हवा हो तो उसको एक खींच कर ये ठंडा करने के बाद उसके बाद से इसको ठंडा कर कर हमें फ्रंट से यानी सामने से हमारा ये फेंकता है यानी फ्लो करता है एयर। फिर इस फ्लो करने के लिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक ग्रिल का ही यूज करते हैं, जो इस टाइप से ग्रिल बना रहता है इस पूरे इस पर। एक ग्रिल जो भी रहता है, इस ग्रिल को हम लोग क्या करते हैं, किसी कंट्रोल करते हैं। एक ग्रिल का यूज हम इस एक स्विंग मोटर से यूज करते हैं। ये हमारा जो होती है ये स्विंग मोटर होती है, इस स्विंग मोटर से हम डायरेक्ट 220 वोल्टेज के पावर सप्लाई से इसको रन कराते हैं। और स्विंग मोटर का हमारा यही काम होता है, जो हमारा फैन ब्लोवर होता है वो हमारी ठंडी हवा को जब फेंकता है तो स्विंग मोटर उस जो हवा रहती है ठंडी ना, उस हवा के ठंडी जो ठंडी हवा रहता है उसको दिशा निर्देश देता है, दिशा को प्रोवाइड कराता है कि ऐसे 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 धीरे धीरे ये मूव करता है। आपने देखा होगा आपके भी अगर कूलर में आप ध्यान नहीं दिया तो देखे होंगे, उसको धीरे धीरे आराम से धीरे धीरे उसको ये फैलाने का काम करता है जो आपके रूम में आता है, ये धीरे धीरे काम करता है। इसकी अगर स्विंग मोटर की स्पीड की बात करें तो 4 to 6 CFM, सॉरी 4 to 6 RPM होता है, यानी एक घंटा में अगर ये तीस चलेगा 60 मिनट में तो 6 से 4 से 6 RPM रोटेशन पर मिनट 1 मिनट में ये मूव करता है, 4 से 6 ही। ये नहीं कि एकदम फुल बहुत जल्दी जल्दी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये स्विंग मोटर ऐसे ही काम करता है और ये ग्रिल का मेन काम होता है। और ये कंट्रोल स्विच मैंने आपको बता ही दिया कि कंट्रोल स्विच से ही हम आपको स्विंग मोटर को आपको चलाना है कि नहीं चलाना है ये सब स्विंग मोटर से डिपेंड करता है। तो हम स्विंग मोटर से ही इसको कंट्रोल करने का काम हम स्विंग मोटर से ही करते हैं कि अगर हमें स्विंग मोटर चलाना है तो इससे कनेक्ट करेंगे, अगर हमें वाटर ट्रे को वाटर पंप को अगर चलाना है, वाटर को हमें छोड़ना है कि नहीं तो वाटर पंप से इसको वाटर से हम इसको इति करते हैं। ये सब के लिए हम कंट्रोल स्विच का ही यूज करते हैं, जिससे हमें फैन मोटर का चलाना है कि नहीं चलाना है उस हिसाब से हम ये स्विच मोटर का स्विच विच का यूज करते हैं। फिर से हमारा एक होता है वाटर मीटर। ये वाटर मीटर आपने देखा होगा कि जो भी अगर ट्रे होता है, ये हो सकता है कि आपके किसी किसी के घरों में देखने को मिलेगा, कहीं कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी अगर लेटेस्ट आपको कूलर वूलर देखा होगा तो उसमें मिलता है कि वाटर लीकेज एक डायल जैसे इंडिकेटर होता है ना डायल, उस टाइप से ये बना हुआ वाटर ये वाटर मोटर। ये नहीं कि ये वाटर मोटर किसी सप्लाई विद्युत से ऐसा नहीं है चलता, इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म लगा रहता है कि आपने यहाँ पर अगर पानी इसमें भरेंगे वाटर ट्रे में तो ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठने से ये का जो डायल है ना सुई ये सुई हमारा अब ऐसे मूव करता है, तो मूव करेगा अगर यहाँ पर पाइप आएगा तो मुझे पता चलेगा कि 5 लीटर हमने पानी भर दिया, और पानी आप अगर इसमें वाटर ट्रे में डालेंगे तो ये सुई इधर आएगा जिससे पता चलेगा कि 10 लीटर पानी। ऐसे ये हमारा ये इसका काम बस यही रहता है कि वाटर लेवल को बताने का काम करता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको कूलिंग जो भी कूलर होता है उस कूलर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे ये काम करता है, मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। अगर कुछ भी अगर आपको डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसके सभी पार्ट्स के बारे में आप अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए कि किसमें क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, और कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। Thank you for watching this video.